केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कोरबा में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में कोरबा वाले पूछेंगे कि कांग्रेस ने 5 साल में क्या किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी, मगर गरीब हटने शुरू हो गए हैं। भाजपा सरकार ने गरीबों के बैंक अकाउंट खुलवाए, उसमें राशि भी डलवाई और उनकी मदद की, महिलाओं को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की राशि में भारी भ्रष्टाचार हुआ, ये पैसा कहाँ गया। केंद्र सरकार ने विकास योजनाओं का जो पैसा राज्य सरकार को भेजा वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पहुंच गया। ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया और आदिवासी के जंगलों को कटाई कर साफ करने का काम एक कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया है। कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हटने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के 65-70 साल के बाद देश के हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हर सहायता वो बैंक अकाउंट से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आती है। हर घर के अंदर शौचालय देकर माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया।